हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6 के पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हम लिमिट्स फाइंड कर रहे हैं, लिमिट्स को ऑर्बिट कर रहे हैं। एक्सरसाइज कौन सी है? 13.1। यहां पे लिमिट क्या हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2, x से तो उसको 2 और ऊपर 3x² - x - 10 अपॉन क्या है, x² - 4। इसकी लिमिट फाइंड करनी है। यहां पे देखो डायरेक्ट वैल्यू 4 पुट करते हैं, डिनोमिनेटर 0 आता है, इसीलिए पहले इसको हम सिंपलीफाई करके फैक्टर से कैंसिल करते हैं। फैक्टर से बनाते हैं, इसको लिखेंगे हम व्हिच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 2, 3x² - x - 10 के फैक्टर्स बनाओ, ये आ जाएगा 3x², तो सम माइनस x प्रोडक्ट आना चाहिए 30 पे, ये क्या आएगा -10, 30 के लिए -6x + 5x - 10 अपॉन x² + 4, ये लिखा व्हिच इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2। और यहाँ पे देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 3x कॉमन निकाला था पीछे x, और यहाँ से क्या बचा -2, इधर भी 5 कॉमन निकाला था पीछे x -2, डिवाइड बाय इस पर आप लिखना x² 4 इज इक्वल टू 2² तो डिवाइड बाय आइडेंटिटी यूज करो a² - b² दिस इज माइनस, ये आ जाएगा a + b - b, a - b दैट इज x - 2 * x + 2 के इक्वल। इसको आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 2, और यहाँ से दो फैक्टर्स क्या बनेंगे, लीनियर फैक्टर्स, इनकी जगह लिखो x - 2 एक लीनियर फैक्टर और 3x + 5 इसका दूसरा लीनियर फैक्टर, डिवाइड बाई x - 2 * x + 2, ये और ये कैंसिल किया, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये है 3x + 5 अपॉन x + 2, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो सेक्शन फंक्शन में, ये आ जाएगा 3 × 2 + 5 अपॉन 6² + 2 विच इज 3 × 2 = 6, 6 + 5 = 11 अपॉन 4 इसका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, आप इसी तरह इवॉल्यूएट करो। 9th क्वेश्चन भी सिंपल है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में ये लिमिट क्या दी गई है हमारे पास, लिमिट इसमें z टेंड्स टू 1 एंड सो ऑन, z की वैल्यू 1 अपॉन 3 - 1 अपॉन z की वैल्यू 1 अपॉन 6 - 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, इसको लिखा लिमिट z टेंड्स टू 1 और z की वैल्यू 1 अपॉन 3 को मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह मैं लिखूंगा z की वैल्यू 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस इस 1 की जगह 1 का स्क्वायर, एक ही बात है। देखो यहाँ से इसका स्क्वायर कर दो 3 + 1 / 3 1 पर नीचे वाले से लिखो z की वैल्यू 1 अपॉन 6 - 1, तो ये सही फॉर्म में आता है। थ्योरम को हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, जब भी लिमिट x टेंड्स टू a टेंड्स टू a, यहाँ x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a फॉर्म में आप x पावर n x का स्क्वायर एक्स पावर एन भी चलता है, अब पावर सेम आनी चाहिए। थ्योरम कौन सी थ्योरम पढ़ी थी हमने, थ्योरम नंबर 2 में पढ़ा था, ये किया एक्स पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए की पावर एन माइनस 1 के बराबर होता है, इज इक्वल टू एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज करो यूजिंग दिस। यहाँ पे हम देखें ये की बात है, यहाँ पे a क्या है हमारे पास 1, n की वैल्यू क्या है इसके ऊपर पावर है, x क्या है
जेड की पावर 1.6 को एक्स लेंगे, 1 को ए लेंगे, इसी फॉर्म में ए पावर एन माइनस एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन एन अपॉन एक्स माइनस ए फॉर्म में आ रहा था। इसको लिखूंगा एन, एन हमारे पास है पावर दैट इज 2 इंटू ए, ए क्या हमारे पास है 1, इसकी पावर क्या आ रही है एन माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 1 2 इसको आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, 11th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11th पे ये लिमिट दी गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 1 और ax square plus bx plus c upon cx square plus bx plus a, ax square plus bx plus c upon cx square plus bx plus a, ये किसके बराबर आ जाएगा, a plus b plus c should not be equal to 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, x वैल्यू 1 पुट करो, ये आ जाएगा हमारे पास a into 1 का स्क्वायर प्लस b का x का 1 प्लस c अपॉन c का x का 1 स्क्वायर प्लस b into 1 प्लस a, तो ऊपर वाला आ जाएगा इधर a इसकी जगह b into 1 b c अपॉन यहां से c into 1 का स्क्वायर c b into 1 b a का a, पहले ये a देखो फिर यहां से b और फिर ये c which is equal to 1 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 किसके बराबर है, 12 में ये लिमिट है हमारे पास x टेंड्स टू -2 x टेंड्स टू -2 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2 होल अपॉन ये आ जाएगा नेक्स्ट डिनोमिनेटर क्या x प्लस 2, तो इसमें देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और देखो इस 2 प्लस x को x प्लस 2 भी लिख सकते हो अपॉन 2x, इस डिवाइड किया मल्टीप्लाई करें तो इस नीचे वाले की क्या होता है ऐसे होगा 2 की मतलब x प्लस 2 x प्लस 2 के साथ कैंसिल, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2 तो ये और कैंसिल 1 अपॉन 2x और इसमें वैल्यू पुट कर 1 अपॉन डायरेक्ट x की वैल्यू 2 इनटू माइनस 2 विच वाज माइनस 1 बाय 4 ए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करते हैं हमने ये लिमिट सॉल्व करनी है x टेंड्स टू 0 sin ax upon dx, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax upon sin x को आइडेंटिटी फॉर्म में चेंज करते हैं तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax upon सॉरी तो sin ax upon dx का sin ax upon इधर इसकी जगह इस d को मैं आगे ले लेता हूं तो चलो बी एक्स ऐसे लिखो इंटू ए अपॉन ए की बात है ए से मल्टीप्लाई भी किया इसको डिवाइड भी किया देखो ये आता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन इस ए को इधर ले आओ ए की बात है कम्युनिटी बात है इसको ए के इधर आते हैं ए एक्स इंटू इधर ए का ए ये बी इसकी जगह लिया ए की बात तो इस ए अपॉन बी को
बाहर था तो एक कांस्टेंट है, इसके ऊपर लिमिट यही आती है, पीछे क्या बचती है इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन ax व्हिच इज इक्वल टू a अपॉन b इनटू 1, क्योंकि ये फार्मूला हमने लिमिट पढ़ी है, प्रूव भी की थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x एंगल और ये डिनोमिनेटर सेम होते, इसकी वैल्यू क्या आती है 1 के इक्वल आती है, व्हिच इज इक्वल टू a अपॉन b इसका। इसी के रिलेटेड ऐसे फॉर्म में इसको चेंज करो, क्वेश्चन 14 को सॉल्व करो। 15th क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 15 यहां पे लिमिट है हमारे पास क्या दी गई है, x टेंड्स टू पाई, पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स, तो यहाँ डायरेक्ट पाई की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा पाई माइनस पाई जीरो, डिनोमिनेटर जीरो बनेगा, इसमें इवैल्यूएट नहीं कर सकते, फिर इसके लिए कोई भी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट से आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। हम पाई पे चेक कर रहे हैं कौन सा पॉइंट है, एक्स टेंड्स टू पाई, इस पे देखिए लिमिट, पर इस पे डायरेक्ट नहीं आ रही है, आप क्या करो इसके राइट में जाओ, राइट में जाओ लेफ्ट में जाओ चाहे इसी से हो, तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा पाई माइनस एच, हम क्या कंडीशन लेते हैं जैसे जैसे यहाँ एच इंक्रीमेंट देखे ये लेंथ हमारे पास क्या है, ये पॉइंट पाई है यहाँ पाई माइनस, तो जैसे जैसे एक्स की ये वैल्यू, एक्स की ये वैल्यू अप्रोच करेगी पाई को, तो एच जो ये बिट है ये किसको अप्रोच करेगी जीरो को, तो यहाँ पे हम इसमें लिखते हैं लिमिट है, इसमें आप देखो पुट एक्स को क्या पुट करना है पाई प्लस एच, फिर एज एक्स अप्रोचेस टू पाई एक्स जो ये वैल्यू की अप्रोच करेगी पाई को एच अप्रोचेस टू जीरो, और ये आ जाएगा ये लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स को हम लिखेंगे किसके इक्वल लिखेंगे, ये आ जाएगा साइन पाई माइनस इस एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास एक्स की जगह पाई प्लस एच ब्रैकेट में, नीचे डिनोमिनेटर में भी पाई इंटू पाई माइनस एक्स की जगह पाई प्लस एच, इसमें लिमिट ये भी लगाना लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब यहाँ पे जब हमने एक्स इंटू पाई प्लस एच तो लिमिट क्या है बन गई हमारे पास एच टेंड्स टू जीरो, व्हिच इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और ये देखो किस तरह आता है ऊपर से ये ब्रैकेट खोली साइन पाई माइनस एच डिवाइड बाई इधर पाई इंटू ये आ जाएगा पाई माइनस एच इक्वल विच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पाई कैंसिल साइन ऑफ माइनस एच अपॉन, और इसको बाहर निकालो इसमें ये वन अपॉन पाई कॉन्स्टेंट बाहर निकालो लिमिट से, कॉन्स्टेंट के ऊपर लिमिट वही होता है, ये बाहर निकाल दिया पीछे हमारे पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और ये किसके बराबर आ रहा है साइन ऑफ देखो माइनस पाई माइनस पाई कैंसिल भी आएगा माइनस एच, और नीचे डिनोमिनेटर में भी ये पाई को बाहर निकाल दो पाई माइनस पाई कैंसिल इधर भी माइनस एच, व्हिच इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इनटू इसकी वैल्यू क्या आती है 1 के बराबर, कौन सा फॉर्मूला कौन सी लिमिट गाइस, लिमिट ये होती है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला लिमिट पे यूज कर लीजिए इसको 1 अपॉन पाई इसका आंसर। नेक्स्ट देखो x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस x, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 17 देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x - 1 अपॉन cos x - 1,
क्वेश्चन नंबर 17, ये लिमिट हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर है cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1, cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। तो यहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से ये क्या आ जाता है, ये आ जाएगा किसके बराबर, 0 के बराबर आ जाएगा। देखा तो यहां पे क्या था, राइट हैंड लिमिट पुट करो या तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इसको इवैल्यूएट करो। मैं राइट हैंड लिमिट पुट ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इवैल्यूएट करता हूं, cos x x किसके बराबर आता है, ये आता है 2 cos square x minus 1 इस minus 1 को minus 1 ऐसे divide by cos x minus, लेकिन इसमें limit भी लगाओ, limit x tends to 0 इसके लिए 2 cos square x minus 1 इस minus 1 को minus 1 upon cos x minus 1, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। और यहां पे देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 अपॉन cos x माइनस 1, यह आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। तो यहां से 2 कॉमन निकाला, दोनों में से 2 निकाला कॉमन, तो cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1, टू कॉन्सेप्ट बाहर ही निकाल दो तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे cos square x minus 1 की जगह मैं लिखूंगा cos x minus 1 into cos x plus 1 divided by cos x minus 1। एक बार आइडेंटिटी a square 1 b square 1 के ऊपर आप कोई भी पावर इमेजिन कर सकते हो, यह आ जाएगा 2 into यहाँ से भी cos x minus 1 cos x minus 1 कैंसिल, तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, पीछे बचा cos x plus 1 2 into यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करो तो cos x की जगह मैं लिखूंगा cos 0 plus 1 2 into cos 0 is equal to 1 plus 1 is equal to into 2 which is equal to 4 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो ये 17 क्वेश्चन का, 18 खुद देखो आप, 19 क्वेश्चन भी यहाँ खुद ही देखो, ठीक है। इसमें इसको चेंज कर से सेट को वन अपॉन कॉस, हाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 20 इसका भी देखो खुद ही, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। 21 में भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने अप्लाई करनी है, cos को लिखोगे 1 अपॉन sin, cot को लिखोगे cos अपॉन sin, इवैल्यूएट करके फिर इसको लिमिट्स इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 टेंड टू x अपॉन x माइनस पाई बाय 2, क्वेश्चन नंबर 22 यहां पे लिमिट हमारे पास क्या है, x टेंड्स टू पाई बाय 2 x टेंड्स टू पाई बाय 2 और यहां पे tan 2x अपॉन tan 2x अपॉन 1 माइनस सॉरी x माइनस पाई बाय 2 इसको इवैल्यूएट करना है। तो यहां पे भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं 0 आ जाता है ना, तो इसमें राइट हैंड लिमिट से ही इसको सॉल्व करो, कौन सा पॉइंट पे चेक कर रहे हो, 5/2 x के लिए 5/2 इस पे डायरेक्टली आ रही, तो मैं राइट में जाता हूं 5/2 प्लस h, तो जैसे जैसे x की वैल्यू अप्रोच करेगी 5/2 पे h इसका अप्रोच करेगा 0 को, तो इसमें पुट करो आप, पुट x को मैं लिखूंगा 5/2 प्लस h, कंडीशन आपकी एज एक्स अप्रोच करेगा पाई बाई टू को एच किसको जीरो का अप्रोच करता, तो देयरफॉर ये जो हमारे पास है लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू टेन टू एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू 10
इनटू एक्स की जगह क्या आएगा, तो इनटू एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, एस की वैल्यू, एक्स को मैंने क्या पुट किया है फाइव बाई टू, टू इंटू एक्स की जगह फाइव बाई टू प्लस एच। और यहाँ भी अगर एक्स को फाइव बाई टू प्लस एच, तो लिमिट हमारे पास क्या होगी, एच अप्रोचेस टू जीरो, क्या आ जाएगी लिमिट, एच टेंड्स टू जीरो, टू इंटू एक्स की जगह फाइव बाई टू प्लस एच, और नीचे डिनोमिनेटर में भी एक्स की जगह फाइव बाई टू प्लस एच माइनस फाइव बाई टू, यह आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। और यहाँ पे आप लिख सकते हो ये किसके बराबर होगा, टेन टू इंटू पाई बाई टू किसके बराबर आया, पाई प्लस टू एच अपॉन, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया एच के इक्वल, विच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। पाई बाई टू प्लस एच ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या आएगा, इसका मैं लिख सकता हूँ टेन टू एच ही लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे पाई है टेन का यही आएगा, बट क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का तो पॉजिटिव, टेन पाई प्लस टू एच को मैं टेन टू एच लिख सकता हूँ वाई बाई एच। तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टेन टू एच अपॉन, यहाँ भी टू मैंने मल्टीप्लाई किया है, सॉरी डिवाइड में लिखा, तो मुझे मल्टीप्लाई में भी लिखना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई में टू है तो टू को इधर बाहर लिख दो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टेन टू एच अपॉन टू एच विच इज इक्वल टू इंटू, इसकी वैल्यू भी जैसे होता है फॉर्मूला में वैसे ये भी वन के बराबर आते हैं, इसका रीजन देना, बिकॉज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू भी वन ही आती है, विच इज इक्वल टू टू, इसका आंसर। नेक्स्ट देखो 22nd क्वेश्चन था ये, 23rd और 24th ये रिलेटेड है, इनमें से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। 24th में क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ एक्स हमने फाइंड करनी है, फंक्शन हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन, जब हम एक्स की वैल्यू एक्स सॉरी वन या वन से लेस ले उसके लिए फंक्शन की डेफिनेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स से ग्रेटर ले रहे हैं तो उसके लिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो ये लिमिट हमने इवैल्यूएट करनी है। इसमें हमने दोनों लिमिट्स देखनी है, जब इस टाइप के फंक्शन होते हैं ना किसी पॉइंट वन पे हम चेक कर रहे हैं, वन के लेफ्ट में कोई डेफिनेशन अलग है, राइट का डेफिनेशन अलग है, तो उस केस में दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करनी पड़ती है, अगर वो कॉन्साइड करेंगे तो वो निकलेंगे हमारे पास लिमिट ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, सॉरी वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन किसके बराबर दिया गया, फंक्शन डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सॉरी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू वन, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन जब एक्स इज ग्रेटर देन वन, ये आई फंक्शन की डेफिनेशन। अब यहां पे देख सकते हैं हम इस पॉइंट को चेक करेंगे, हमें किस पॉइंट को चेक करेंगे, हमने पॉइंट वन पे एक्स की वैल्यू वन में, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, इसके लेफ्ट में एट एक्स इज इक्वल टू वन पर चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू वन फ्रॉम लेफ्ट साइड का माइनस साइन के रिलेटेड फ्रॉम लेफ्ट साइड, वन के लेफ्ट में, वन के लेफ्ट में जब भी वन से लेस है एक्स, एक्स वन के लेफ्ट में वन से लेस है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या प्रूव करनी है,
एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये पॉलीनोमियल फंक्शन डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, वन का स्क्वायर प्लस वन विच इज इक्वल टू टू। राइट हैंड लिमिट किसके बराबर आएगी, ये भी निकाल लिया आएगा, लिमिट x टेंड्स टू वन फ्रॉम राइट साइड प्लस साइन के इंटीग्रल का फ्रॉम राइट साइड एफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू वन फ्रॉम राइट साइड। तो वन के राइट में ये वन से जब ग्रेटर है, एक्स की वैल्यू वन से ग्रेटर है वन के राइट में, उस केस में फंक्शन कंडीशन क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन विच इज इक्वल टू ये आ जाएगी इसके इक्वल, डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो माइनस ऑफ वन का स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर वन ही आता है, वन माइनस वन का माइनस टू। तो हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों लिमिट्स आपस में इक्वल नहीं है। मैं कहूंगा देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू वन ऑफ एक्स पॉइंट वन के फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करती इसमें। इस तरह से आप लिमिट चेक कर सकते हैं फंक्शंस की। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए कंसाइड करनी चाहिए, जिस पॉइंट को हम चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे लिमिट्स कंसाइड करनी चाहिए, तो यहाँ पे नहीं करती तो एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर 25, 26 इनमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, ये लिमिट फाइंड कर दी हमने, हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया है, वी हैव एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ये है फंक्शन एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और दूसरी फंक्शन डेफिनेशन किसके बराबर है, जीरो जब हमारे पास एक्स जीरो के इक्वल है। इसी फंक्शन को मैं लिख सकता हूं आर एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एक्स अपॉन मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है एक्स की, जो कि मान आता है ये कब होती है, जब एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ठीक है, इक्वल टू पे तो जीरो ग्रेटर देन तीसरी जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये इसकी डेफिनेशन बनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक कर रहे हैं इसकी लिमिट। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स क्या आएगी, इसको लिखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो जीरो के लेफ्ट साइड फंक्शन डेफिनेशन क्या है, माइनस वन विच इज इक्वल टू क्या है, माइनस वन के बराबर। फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स, ये आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम राइट साइड, तो फंक्शन डेफिनेशन क्या है, जीरो के राइट में एक्स का जीरो से ग्रेटर है तो इसका वन विच इज इक्वल टू आया प्लस वन के बराबर। हियर लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लेफ्ट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स is not equal to limit x tends to 0 from right side f of x, ये दोनों इक्वल आ रही है, therefore इसका मतलब 0 पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट does not exist, do not exist, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं है इस पॉइंट पे। ये तो 26 25 पे आप ऐसे सॉल्व करोगे
बाकी इसके आगे क्वेश्चन जो है वो कल पढ़ते हैं, कल कंप्लीट करेंगे इसको।